Hey everyone, welcome back to my channel. I am Farah Hayase from farahhayase.org. Inshallah, khush aad aur abad hoke. Aaj mujhe channel hua hai ek message, kyunki main aapke liye bahut sochti hu. Aap logo ke comments jab aate hain YouTube pe, kyunki main comments dekhti hu farahhayase.99, jinhone subscribe nahi kiya, you can go and subscribe there. Agar kisi ko mujhse direct baat karni ho ya koi conclusion tak pahunchna ho तो आप लोग मुझसे वहाँ कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं. समटाइम्स मैं वहाँ जवाब देती हूँ, यहाँ पर मेरी टीम जवाब देती है, याद रखिएगा. तो मैं आपके लिए बैठ के सोच रही थी अभी आफ्टर प्रेयर्स, तो मुझे एक चैनल में मैसेज हुआ एंजल्स की तरफ से, विच इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन. ठीक है, अब हम ये आज याद रखिएगा, ये जो रीडिंग है ये सबके लिए ओपन है, जनरल है, मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है. मेल के लिए, फीमेल के लिए जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता. ये रीडिंग उस तरह से होगी कि आप जिनसे कनेक्शन में हैं, जिनसे आपका नो कॉन्टैक्ट है, या कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पा रहे, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या कुछ भी ऐसा, तो उन्होंने मुझे नज़र आ रहा है. एग्जैक्टली जिनसे आपकी, खसूसन आपकी फाइट चली है, उन्होंने आपके लिए रीडिंग ली है. किसी से आप रीडिंग इन द सेंस दो है, जो कि वो जबकि इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करते, ना काले जादू में, आपके जो पर्सन हैं या आपके जो भी स्पाउस हैं वो अल्लाह वाले हैं इन द सेंस. या अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ भी नहीं होता, जस्ट गुड कर्मा होता है या बैड कर्मा होता है. वो इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करते, याद रखिएगा. उन्होंने फिर भी किसी से, आप कह रहे हैं, इस्तखारा करवाया है कि अगर हमारा इतना अच्छा ही कनेक्शन था तो क्यों एंड हो गया है, क्यों कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा है, और क्यों इस तरीके से हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है बाय पासिंग द टाइम, और कोई क्यों हमारे बीच में, ऐसी क्या चीज़ है. वो भी अब इस उस पर पहुँच गए हैं कि वो खुद चले गए हैं किसी स्पिरिचुअल गाइडेड के पास. हो सकता है वो मेरे ही पास आ गए हों, क्योंकि मैं तो बहुत सारी रीडिंग्स करती हूँ. लेकिन ठीक है, तो अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पर्सन आपके लिए इनिशिएट ले रहे हैं. ठीक है ना, उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, बिकॉज वो चाहते थे कि कहीं पहुँचे किसी उस पर नतीजे पे आप पे, क्योंकि वो आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं. उन्होंने एक टैरो रीडिंग ले ली, या कोई वजीफ़ा ले लिया है, या कोई स्पिरिचुअली आपके बारे में चल रहा है, कि क्या किसी तरीके से आपका और उनका रिश्ता चल सकता है दोबारा. और किसी ने उनको कंक्लूजन दिया भी है, क्योंकि वो अब आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यकीनन आपकी दुआएं रंग याल लेकर आ रही हैं, और वो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में. उनके छोटे बाल हो सकते हैं अगर वो मेल हैं, और अगर फीमेल हैं तो उनकी लेयर कटिंग हो सकती है, क्योंकि फ्रंट के बाल कट सकते हैं. उनके लाइट ब्राउन और ब्राउन आइज़ है, ब्लैक आइज़ नहीं है. मैं उनकी थोड़ी स्पेसिफिकेशंस बता रही हूँ आपको. ठीक है, और एंजल्स बताइए, कुछ और बताइए एंजल्स. ब्लैक हेयर्स भी हैं और लंबे हैं थोड़े से, वो आप से तो लंबे ही हैं. थोड़ा सा और देखें, कोई लिब्रा हो सकते हैं या एयर साइन हो सकते हैं, जिब्रा, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कोई नंबर वन कर सकते हैं कॉन्टैक्ट. ठीक है, नेम टी ओ एन ई, कोई इनिशियल हो सकता है, कार नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा ये जनरल लीड होती है. तो कार का नंबर, घर का नंबर, कुछ भी उनके नाम में आ सकता है. एग्जैक्टली मुझे बताइए कि उनके टैरोट रीडर या स्पिरिचुअल गाइडर ने, जो भी हूँ, उन्होंने मेरे व्यूअर्स के लिए क्या उन्हें मैसेज दिया है, प्लीज़. उन्होंने यही बताया है कि उनके टैरो रीडर या उनके जो मौलवी हैं, उन्होंने उनको बताया है कि जो आपका पर्सन है वो सिर्फ आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, जबकि ये उल्टा है, वो आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि वो उनके पास गए हैं, उन्होंने उनको नेगेटिविटी आपके ख़िलाफ़ दे दी है, कि वो कनेक्शन तो बनाना चाहते हैं लेकिन आपके ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी, उन्होंने बोला है कि शादी तो हो जाएगी आपसे, और कंक्लूजन भी निकाल, लेकिन वह कंक्लूजन नहीं निकाल के दे रहा. वो ये भी बता रहे थे उनको कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपसे उतने ही मोहब्बत करते हैं जितना आप उनसे मोहब्बत करते हैं. ये हम वो एनर्जीज देख रहे हैं जो उनकी रीडिंग, वो आपसे रीडिंग कह लें या कैसे कहते हैं, इस्तखारा कह लें, उसका रिजल्ट है ये आपके लिए.
ठीक है, उन्होंने कहा है टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी के लिए 2, 4, 3, 5, 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये 8। किसी की गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, मोबाइल का नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर किसी में आ सकता है। ये स्पेसिफिक नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैंने इनिशियल आपको जैसे मैंने बताया है, ओ है, बी है, एन है, एल है, एस है, टी है, तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं, निक नेम हो सकते हैं, एनी थिंग इट कैन बी, राइट। अब मैं देखूँ अगर अब ये तो कितने देखे ना आपके, आप कह रही हैं आपके पर्सन आपके लिए इनिशिएट नहीं करते, कितना तो कुछ कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं अपने पर्सन के लिए? सिर्फ बैठ के बैठे रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं। देखें हालांकि आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल भी इस तरह के नहीं है, वो खाली स्पिरिचुअल है। मैं कहते हैं नमाज़ पढ़ो, अगर मुसलमान है तो कहते हैं बस अल्लाह को देखो, यूँ देखो यूँ नहीं। अब वो भी बेचारा थक गया है, लेकिन आप लोग नहीं थकते सब्र करते करते। आप लोगों को चाहिए किसी से कॉन्टैक्ट करें, रीडिंग्स करवाएँ, सोल्यूशन लें। अगर नेगेटिविटी है, मैजिक नहीं है, तो रिमूव करवाएँ। मैं देखूँगा आपके लिए राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं इस सिचुएशन के बाद। Please, angels. Oh, I replay our conversation over and over again. This is so innocent. Basically, इसे कहते हैं रीडिंग, कि आपसे उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, उन्होंने रीडिंग करवाई क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही, और उसके ऊपर ये जवाब आया एंजल्स का कि वो ये कर रहे हैं आपकी गैर मौजूदगी में। और नेक्स्ट क्या कर रहे हैं एंजल्स? आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट। आई थिंक आपको मुझे उर्दू में एलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है इन सब मैसेजेस को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ये कितना मुश्किल था उनके लिए आपको जाने देना, चाहे आपने उनसे अपनी जान छुड़ाई हो या उन्होंने उस वक्त के लिए आपको छोड़ा हो। कोई ऐसी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, जिन्होंने आपको इतना अच्छा ब्यूटीफुल 2 ऑफ कप आपके पास, आपके पास 4 ऑफ वॉन्ड शादी का कार्ड, आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पास सारे बेस्ट कार्ड हैं, बस जस्ट सम नेगेटिविटीज़ हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों का सब्र, मैं कहती हूँ वाह। अगर खुदा ना खास्ता मैं आपकी जगह होती ना, मैं कब का, अगर मुझे फराहा यासर जैसी कोई मिली भी होती जो सब कुछ आपको ऑन मीडिया कह रही हैं और कहती हैं कि हर चीज़ करा के वो दे देंगी, आई विल नॉट वेट। बाहर भी जाने के चांसेस हैं आपके और आपके पर्सन के, मे बी आप जा रहे हैं या वो जा रहे हैं, दोनों में से कोई एक तो जा रहा है। और अगर वो चले गए बाहर, तो फिर आप याद रखिएगा तो गया हुआ कब वापस आता है, ठीक है। जनरल लीड है, हर किसी से मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, जिससे रेजिनेट करे वो कमेंट करे। इफ्राहिश रबलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हार्ट देना, मुझे वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।